कल हमने आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में बताया था, अजलीय विलायक क्या है, सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमेथेन, डाइऑक्सेन, डीसीएम, डीएमएफ, टीएचएफ, डीएमएसओ एक्सेट्रा। बच्चों आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। ये जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं उनको कैसे वर्गीकरण इसका किया गया है, विलायकों का बंटवारा किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो ये तीन क्लास में, देयर आर थ्री क्लासेस, ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। बच्चों जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं इसका क्लासिफिकेशन थ्री टाइप में किया गया है। यहां देखिए मैंने थ्री टाइप्स लिख दिया है। टाइप फर्स्ट में क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। टाइप सेकंड में देखो बच्चों क्या है, एसिड सॉल्वेंट्स, बेसिक सॉल्वेंट्स, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। टाइप थर्ड में क्या आता है बच्चों, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। अब बच्चों देखो जरा इसके बारे में समझो, टाइप फर्स्ट में ये जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है ये क्या है बच्चों, इसको प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, जो सॉल्वेंट प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर माने प्रोटॉन दाता, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। बच्चों इसका जब आयोनाइजेशन होता है तो एच प्लस मिलता है और एफ माइनस मिलता है, ये फ्लोराइड आयन है और ये क्या है, प्रोटॉन। आपने देखा एच एफ ऑफ, आपने देखा ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन डोनर है, इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या कहलाएगा, कहेंगे ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। अब बच्चों इसके अंतर्गत बहुत से आएंगे, जैसे ग्लेशियल एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत से आएंगे इसमें जो प्रोटॉन देंगे। अब बच्चों एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, नॉट प्रोटॉन डोनर, नॉट प्रोटॉन डोनर एंड नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर, नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर। ध्यान देना बच्चों, एप्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो कि न तो प्रोटॉन डोनर है और न तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, न प्रोटॉन ये देंगे और न तो ये प्रोटॉन लेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, न तो ये प्रोटॉन देगा और न तो ये प्रोटॉन लेगा। बच्चों बेंजीन भी ले ले, C6H6, ये भी क्या है, न तो प्रोटॉन डोनर है न तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, कहेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। और बहुत से सॉल्वेंट इसमें आएंगे। अब बच्चों यहां आप देखें एसिड सॉल्वेंट क्या है, तो याद रखना बच्चों प्रोटॉन डोनर
प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट। प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं बच्चों? एसिड सॉल्वेंट। अभी जैसे ये था फॉर एग्जांपल HAF लिक्विड HAF, तो लिक्विड HAF को हम क्या कहेंगे बच्चों? एसिड सॉल्वेंट। अब बच्चों बेसिक सॉल्वेंट क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी जो प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन डोनर माने जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन दाता, और प्रोटॉन एक्सेप्टर माने प्रोटॉन ग्राही माने जो लेता है। प्यारे बच्चों प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेसिक सॉल्वेंट कहेंगे, जैसे लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया बच्चों क्या है? ये प्रोटॉन लेता है, इसलिए लिक्विड अमोनिया क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्वेंट है। और भी बहुत से हैं, एथिलीन डाइएमीन ले लें, एथिलीन डाइएमीन EN, ये भी बेसिक सॉल्वेंट है। एसिड सॉल्वेंट में भी मैंने बताया लिक्विड HF ले लें, लिक्विड HCN ले लें, लिक्विड एस्टिक एसिड ले लें CH3COOH। बच्चों ये सभी क्या हैं? एसिड सॉल्वेंट हैं। और EN3EN क्या है? बेसिक सॉल्वेंट हैं। अब आइए देखें एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों इसको एम्फोटेरिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं, प्रोटॉन डोनर भी हैं यानी प्रोटॉन देते भी हैं, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हैं, प्रोटॉन लेते भी हैं यानी प्रोटॉन दाता भी हैं, प्रोटॉन ग्राही भी हैं, दोनों काम करते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, ग्लाइसीन, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ग्लाइसीन एक्सेट्रा। बच्चों ये सभी क्या है? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। और अभी एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में यहाँ ही बता दिया गया है कि जो न तो प्रोटॉन डोनर हैं न तो प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब बच्चों यहाँ आइए, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स क्या हैं? बच्चों आयोनाइजिंग सॉल्वेंट पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर। और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट बच्चों क्या होते हैं? ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं। बच्चों आयोनाइजिंग सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और डाइपोल मोमेंट हाई होता है, और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लो होता है, कम होता है। बच्चों आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में जैसे वाटर आता है HOH, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर होता है, वाटर पोलर है, तो ये आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में आएगा। अब बच्चों नॉन आयोनाइजिंग में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है CCl4, ये नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। बच्चों ये आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो होता है ये आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करता है, आयनिक कंपाउंड। बच्चों ये जो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है ये कोवेलेंट कंपाउंड को डिजॉल्व करता है, कोवेलेंट कंपाउंड। बच्चों एक रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका क्या मतलब है बच्चों? लाइक डिजॉल्व्स लाइक एक मुहावरा है, इसका मतलब वैसे होता है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब चोर की मित्रता होगी, लगाव होगा तो चोर से। यहां पर पोलर जो है किसको डिजॉल्व करेगा बच्चों? पोलर को। अब देखो NaCl भी क्या है? पोलर है। आप कैसे जान गए? Na प्लस होगा इस पर और Cl पर माइनस। ये वाटर, वाटर इज पोलर, NaCl इज पोलर, तो पोलर डिजॉल्व पोलर। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, और मान लीजिए यहां ग्लूकोस ले लें C6H12O6, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो ये रूल क्या कहेगा? नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा क्लासिफिकेशन समझ में
आया होगा। प्यारे बच्चों, हमारे बीएससी एमएससी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। हमारे जो भी बच्चा बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर में, एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है, तो हमारा जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है 9935018861, इसी पर मैसेज भेज दें, नाम अपना लिख करके, किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। आईआईटी और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वे भी हमारे पास मैसेज करें, हम उसकी भी तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप देखें, बहुत से वीडियो हमने डाले हैं, डी आर ओ पी शुक्ला सर या ए सी आर सी इंस्टीट्यूट, इस नाम से सर्च करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। योर सक्सेस इज आवर एम।